नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले वनडे मैच के लिए कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। सारी प्लानिंग हो चुकी है। देखने वाली बात तो ये होगी कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को सीरीज में हरा पाती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले पहले वनडे मैच का मजा आप कब, कहां और कितने बजे से उठा सकते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि पहले वनडे मैच में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको भी लगता है कि टीम इंडिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीत पाएगी तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज से शुरू होने वाला है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले तीन वनडे मैच 6, 9 और 11 फरवरी को खेले जाएंगे। सीरीज आज से अहमदाबाद में शुरू होगी, जो भारत का 1000वां वनडे मैच होगा। एक तरफ टीम इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे से 0-3 से वनडे सीरीज हारकर वापस घरेलू सरजमीं पर वनडे सीरीज खेलने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किरण पोलार्ड की कप्तानी वाली वेस्ट इंडीज टीम जोश के साथ इंडिया पहुंची है। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज 3-2 से जीतकर इंडिया पहुंची है। 15 विकेट लेने वाले गेंदबाज जो प्लेयर ऑफ द सीरीज बने जेसन होल्डर के अलावा अकीदा हुसैन भी जबरदस्त फॉर्म में है। दूसरी तरफ रन बना रहे धवन के नहीं खेलने से टीम इंडिया के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। हालांकि रोहित शर्मा के वापस लौटने से टीम को राहत जरूर मिली है। दोस्तों, पहला वनडे मैच गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के शानदार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा, तो वही टॉस 1 बजे होगा। दोस्तों, इस मैच के लिए बेशक दर्शकों की मौजूदगी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ रोमांच वैसा ही देखने को मिलेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच तमाम पिचों से थोड़ी पेचीदा और कठिन पिच मानी जा रही है, जहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने के मौके भी मिलेंगे और स्पिनर्स को उनकी कमजोर कड़ी को तोड़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पहले मैच में कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में शिखर धवन कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और केएल राहुल निजी कारणों से नहीं खेल रहे। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर साफ कर दिया कि उनके साथ ईशान किशन ओपनिंग करने उतरेंगे। तीसरे नंबर पर सुपरस्टार बल्लेबाज विराट कोहली का उतरना बिल्कुल तय है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय मिडिल ऑर्डर बुरी तरीके से फ्लॉप रहा था, ऐसे में रोहित मध्य क्रम में धाकड़ बल्लेबाजों को उतारना चाहेंगे। सूर्य कुमार यादव को चौथे नंबर पर मौका मिलेगा, वहीं पांचवें नंबर पर मैच विनर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का उतरना बिल्कुल पक्का है। नंबर 6 पर धाकड़ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे। भारतीय पिच हमेशा से ही स्पिनरों की मददगार होती है, ऐसे में रोहित शर्मा जादुई स्पिनर जोड़े युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को मौका देंगे। तेज गेंदबाजों का जिम्मा दीपक चहर, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा संभालते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये प्लेइंग 11 हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।